अच्छा हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण पर। मैं आपके सपोर्ट और स्नेह और सहयोग से बहुत बहुत आप शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबके स्नेह और प्यार को देखकर मेरे मन अति उत्साहित है। मैं आपके इस स्नेह के लिए, मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसे ही सेवा करता रहूंगा और मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं। आज हम जो बताने जा रहे हैं, मोबाइल से हमारी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, कौन कौन से अंकों से हमारी स्थिति अच्छी हो सकती है। दोस्तों, हम आपकी कुंडली के अंदर आगे क्या घटना घटने वाली है। ज्योतिष हमारे वेदों की नेत्र है, छठा बिंदु है चक्षु नेत्र। हम सिर्फ कुंडली को देख के आगे आने वाली घटना किस तरह की घटेगी उसके बारे में अवगत करवा, इससे ज्यादा ज्योतिष कुछ नहीं करता। मंत्रों के जाप करने से जो कष्टकारी ग्रह होते हैं वो कुछ ढीले पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं और हमारे काम सरल और अच्छे हो जाते हैं। आपका नाम ठीक करना, आपका मोबाइल नंबर ठीक करना, 5 तरीके से कुंडली देख के मैं बताता हूं। जब आप 5 तरीके से कुंडली देखेंगे तो आपको अपने बारे में सब कुछ ज्ञात होगा। मोबाइल क्या है दोस्तों? युद्ध कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। कल युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे, आज युद्ध मिसाइलों से। कुछ नहीं बदला सृष्टि में, कुछ नहीं बदला। बदला है तो सिर्फ सोचने का तरीका बदला है। ग्रह ज्योतिष की तरह मोबाइल ज्योतिष भी अपना मूल सिद्धांत है। अंक ज्योतिष भी इस तरह का एक विज्ञान है। अंकों के इकट्ठा करके अंक कुंडली में अंक योग को परख, अंक दृष्टि की संपूर्ण विवेचना करके फल कथन करना एक कला है। हम अंकों को जोड़ के उन अंकों के आधार पे एक कला के द्वारा एक व्यक्ति को हम निर्धारित करते हैं कि आपको जीवन में कैसा करना है। हम उसके समस्त गुण भेद जानने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल ज्योतिष सिद्धांत कंठस्थ करके निरंतर अभ्यास, बुद्धि, विवेक, लगन एवं अनुभव के द्वारा मोबाइल के माध्यम से फल कथन की कला में निपुण हो जाता है। मोबाइल ज्योतिष में फल कथन है तो मोबाइल कुंडली बड़ी ही सहज सिद्ध होती है। इसके मोबाइल नंबर से, लोशो ग्रिड से, वैदिक से क्या फर्क होता है? अगर देखिए, वैदिक को सीखने में हमें थोड़ा भय लगता है, लेकिन भय ना करें। अगर आपको मोबाइल नंबर और लोशो ग्रिड का ज्ञान है तो आप वैदिक का बहुत जल्दी से ज्ञान प्राप्त। अगर आपको वैदिक का ज्ञान है तो आप इनका भी ज्ञान कर लेंगे, लेकिन वैदिक का ज्ञान करने में आपको समय लगेगा। उसके अंदर 2.5 लाख से 3 लाख युक्ति है और 900 ग्रेड में 81 युक्तियां हैं। तो आप सोचिए, 3 लाख युक्तियों का अध्ययन करना और 81 युक्तियों का अध्ययन करना, कौन सा पॉसिबल है, कौन सा ठीक है? ठीक है। अच्छा, मोबाइल ज्योतिष में फल कथन है तो मोबाइल कुंडली बड़ी ही सहज सिद्ध होती है। इसकी रचना बड़ी ही सरल और मोबाइल के चित्र स्वभाव, व्यक्ति जीवन स्तर, विकास तथा समूचे जीवन को मिनटों में पता चल जाता है। अगर हमें किसी के बारे में 1 सेकंड में मालूम हो जाए और हम दूसरे को बताएं ऐसा है तो किसे कितना अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब मोबाइल अंक की रचना की हमने जो करी है, इसके अंदर लोशो ग्रिड के अंदर लेवल होता है 492। आप इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं और ये नया पैटर्न है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वैदिक का पुराना ही पैटर्न है, कोई नया पैटर्न नहीं है। पहले वैदिक ज्योति इसी तरीके से बनी करी जाती है। इसे भी मैं पढ़ाता हूं, अगर आप लोग अच्छा समझेंगे तो इसकी भी क्लासे मैं करवाता हूं। 319-675-284, ये 3 अंक होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 319 है ये आत्मिक अंक है। मोबाइल अंकों के चित्रों से जाने इसे 9 अंकों की इतनी विशेषता को 3 भागों में बांटा गया है। विचारों के स्तर का द्योतक है। 319 उसके विचार कैसे हैं? आत्मिक अंक है, आत्मिक स्तर प्रकट करता है। मोबाइल अंक 3 का स्वामी गुरु है और 1 का स्वामी सूर्य है और 9 का स्वामी मंगल है। दूसरी आड़ी कतार मोबाइल अंक 675, ये बौद्धिक अथवा भावनात्मक अंक है।
भौतिक मोबाइल अंक 6, 7, 5 के स्वामी क्रमशः शुक्र चंद्र बुध तीसरी आड़ी कतार 284 जो भौतिक एवं संसारिक अंक है, ये भौतिक एवं संसारिक स्तर का द्योतक है। मोबाइल अंक 284 के स्वामी चंद्र ऋणात्मक शनि और सूर्य ऋणात्मक क्रम अनुसार मोबाइल अंक के 2 एवं 4 क्रमशः केतु राहु जैसे फल प्रदान करते हैं। मोबाइल अंक में 3 आड़ी पंक्तियां होती हैं, राजस्य तामसी सूचक। मोबाइल अंक किसी भी व्यक्ति में 5 तत्वों की प्रधानता होती है, 5 ज्ञान इंद्रियों की शक्ति, त्रिकोण तथा आत्मिक बौद्धिक और भौतिक विकास की उनकी जन्म तिथि के अनुसार द्योतक होता है। किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जन्म तिथि से जो अंक जिस व्यक्ति के पास पाया जाएगा उसके अनुसार उसकी विचारधारा का मालूम हो सकता है। दोस्तों अब मैं आपको मोबाइल लेने से पहले कुछ विशेष सावधानियां बताता हूं। जब हम मोबाइल नंबर लेने दुकान पर जाते हैं, मोबाइल नंबर दुकानदार को कौन सा नंबर अच्छा है या बुरा ना तो उसे मालूम होता है और ना लेने वालों को मालूम कि मुझे कौन सा नंबर लेना है। वो जाके दुकानदार को कहता है, कस्टमर दुकानदार को कहता है, भाई साहब मुझे एक मोबाइल चाहिए। दुकानदार कहता है, ठीक है भाई साहब आप ले लीजिए। जब दुकानदार मोबाइल के वाले के पास जाता है, मोबाइल वाला उसे 10-5 मोबाइल दिखा देता है और वो उन 10-5 मोबाइलों को में से एक नंबर चूज कर लेता है। अब वो एक नंबर कौन सा चूज करता है? अब किसी व्यक्ति के पास का टोटल 8 आता है तो 8 नंबर आदमी को जीवन में संघर्ष 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 करता है। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी के मोबाइल के नंबर के अंदर पूरी क्लास के अंदर 284 नंबर आ रहा हो, अंक आ रहा हो, आपने अपना मोबाइल लिखो 1, 2, 3 जिसके पास मोबाइल नंबर हो और किसी के पास 284 हो, तो अब जी सर, 4 नंबर किसी का टोटल है तो उसका अचानक उसके साथ कोई ना कोई अच्छी बुरी घटना घटेगी। 4 नंबर तो ऐसे व्यक्ति को अपना 4 नंबर से मोबाइल 5 कर लेना चाहिए। अब 5 नंबर करने से क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, अब ये मैं बताऊंगा। इससे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं। मोबाइल अंक के बारे में समय कौन सा परिस्थिति बदलते रहती है, जो परिस्थिति कौन सा चलता है वह सुखी जीवन जीता है और जो परिस्थितियों के विपरीत चलता है वह दुखदायी होता है। अगर कोई जिद कर रहा है पता होने के बाद भी वो 8 नंबर रखेगा तो परेशानी तो अपने विचारों को यदि हम परिस्थितियों को ढाल लेते हैं तो हमारा जीवन दुखदायी हो जाता है, दुखदायी हो जाता है, और अपने को एडजस्ट कर लेते हैं तो सुखदायी हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। मैंने बताया था युद्ध कल भी होते हैं, युद्ध आज भी होते हैं। कल युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे और फिर बंदूकों से होते थे, गोलियों से होते थे, और आज युद्ध मिसाइलों से होते हैं। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही हो रहा है। अब बदली है तो हमारी सोच बदली, हमारे अंदर जो एनर्जी विद्यमान हो जाती है पुनः कार्य करने के लिए सामर्थ्यवान है। माता पिता के सानिध्य में आज के समय यदि कोई हमारा गुरु है, मित्र है, पड़ोसी है, तो वह कौन है? हमारा मोबाइल। बाप बड़ा ना भैया और सब में बड़ा रुपया बोलते थे, लेकिन अब क्या है? बाप बड़ा ना भैया और सब में बड़ा मोबाइल। तुक्का नहीं बैठता लेकिन सच है। आज जब आदमी सोता है तब उसके पास मोबाइल होता है और जब वो उठता है तब उसके हाथ में मोबाइल होता है। जब हम दुकान पर जाते हैं कोई मोबाइल होता लेता है तो सोच कर नहीं जाता, मैंने बता ही दिया। मोबाइल नंबर की एनर्जी हम कैसे प्राप्त कर सकते? हमें मोबाइल नंबर यहां से जान लेता है हमारा जो अंक मिस है, मोबाइल में जो अंक हमारा मिस है उसकी एनर्जी हमारी खराब है, और जो नंबर हमारे पास है उसकी एनर्जी पॉजिटिव है। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है वो अंक खराब है, जानो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अंकों का महत्व, क्योंकि वो मैं बात बताने जा रहा हूं कौन से नंबर वाले को कौन कौन सा काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति जीवन में यश कमाना चाहता है, उस व्यक्ति को एक नंबर अपने पास रखना चाहिए। यश को प्राप्त होगा तो एक नंबर से, और किसी एक व्यक्ति व्यावहारिक बनकर रहना चाहता है, विवाह से संबंधित, व्यापारिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, कुछ मानसिकता, निर्णय शक्ति के बारे में जानता है तो 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, इस नंबर से ज्ञान, परिवार, आध्यात्मिक स्वास्थ्य आदि, 5 बुध
ज्ञान का कारक, बुद्धि संतुलन धन, छह शुक्र पारिवारिक लग्जरी सहयोग मित्रता सलाहकार, सात केतु संतान क्षेत्र आध्यात्मिक मोक्षदाता पुत्र का कारक, आठवां शनि यश व प्रसिद्धि जीवन में सफलता काम का जुनून। अब मैंने आपको बताया ये नौ नंबर होते हैं। अगर एक नंबर सूर्य से यश मिलता है, दूसरे मन उच्च होता है और तीन से गुरु की भावनाएं होती हैं, चार नंबर से मानसिक तेज होती है और चार नंबर वाले व्यक्ति राहु प्रबल वाले व्यक्ति अगर इंटरनेट से संबंधित काम कोई करते हैं तो उनके लिए अच्छा नंबर होता है। नंबर कोई भी गलत नहीं है, नंबर आठ भी गलत नहीं है। आठ वाला व्यक्ति जिद्दी प्रवृत्ति का होगा, सन की होगा। चार वाला व्यक्ति इंटरनेट का काम करने में विश्वास करेगा। पांच नंबर वाला व्यक्ति व्यापारिक नेचर का होगा, निभाने वाला होगा। और छह नंबर शुक्र प्रबल होगा, उसके अंदर लग्जरी जीवन जीता होगा। और सात नंबर वाला केतु रिसर्चिंग नेचर का व्यक्ति होगा, कोई रिसर्च करता है तो सात नंबर रखे। आठ नंबर वाला व्यक्ति संघर्ष करता है और धीरे धीरे तरक्की होती है। और नौ नंबर वाला मंगल, वो हमेशा डिफेंस में, लड़ाई में, झगड़े में आगे होता है। हमें नंबर कौन कौन सा लेना चाहिए? एक तीन पांच छह, ये चार नंबर अच्छे होते हैं जिनका टोटल एक तीन पांच छह आए। हमेशा नंबर लास्ट का जो टोटल होता है वो बढ़ता नंबर हो, पांच छह सात तीन चार पांच एक दो तीन। और कोशिश करें कि जो हम नंबर लें उसके अंदर जीरो ना हो। अरे दोस्तों, कम से कम हम इतनी बातों पर तो गौर कर सकते हैं ना। जब हम पैसा खर्च कर रहे हैं, दुकानदार के पास जा रहे हैं, जीरो नंबर भगवान की होती है। जीरो नंबर वाला व्यक्ति समाज से हट के चलता है, उसका समाज में मन नहीं लगता और उस पे कष्ट पे कष्ट आते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ईश्वर ने अलग से बना के भेजा है। और ऐसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ में तीन बारह इक्कीस ये नंबर है तो वो ईश्वरवादी, ईश्वर में बहुत विश्वास करता है। ये हर नंबर से ग्रहों का एक नेचर होता है, ये मोबाइल नंबर होता है।